अरविंद केजरीवाल सरकार कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दक्षिण दिल्ली में विशाल तंबू में कोरोना वायरस रोगियों के लिए 10,000 बिस्तरों वाला अस्थायी अस्पताल तैयार करने की योजना बना चुकी है। ये प्रस्तावित अस्पताल आध्यात्मिक संगठन स्वामी सत्संग ब्यास के दक्षिण दिल्ली स्थित परिसर में स्थापित किया जाएगा। राधा स्वामी सत्संग भाटी माइंस के सचिव विकास सेठी ने कहा कि संगठन का हरा भरा परिसर दिल्ली हरियाणा सीमा के नजदीक स्थित है। कोविड 19 अस्पतालों की लंबाई 1700 फुट जबकि चौड़ाई 700 फुट रहेगी। उन्होंने कहा कि ये इस तरह का दिल्ली का सबसे बड़ा स्थायी अस्पताल होगा। जून के अंत तक इसका काम पूरा होने की उम्मीद है। सेठी ने कहा कि धातु के तंबुओं में बत्तियां और पंखे लगा दिए गए हैं। गर्मी को देखते हुए कूलरों की जरूरत पड़ेगी। परिसर में स्थित भवन में चिकित्सा कर्मियों को भी ठहराया जा सकता है। संगठन ने 2-3 दिन पहले अपने परिसर में अस्थायी अस्पताल बनाने की अनुमति दे दी थी। दिल्ली सरकार के अनुमान के अनुसार जुलाई के अंत तक राष्ट्रीय राजधानी में कोविड 19 रोगियों की संख्या 5,00,000 से अधिक हो सकती है। कोविड 19 रोगियों के लिए लगभग 1,00,000 बिस्तर की जरूरत पड़ सकती है। फिलहाल दिल्ली में राज्य सरकार, केंद्र सरकार और निजी अस्पतालों में कोविड 19 के लिए समर्पित कुल 9,645 बिस्तरों की व्यवस्था है। इनमें से 5,402 पर रोगी भर्ती हैं। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए।